अरे पंडित जी, आप अभी पानी लेकर आ रहे हैं? जबकि साई ने हमें पूरी कहानी सुना दी। वो अंधेरे के कारण रास्ता भटक गया था, अफसोस कहानी नहीं सुन पाया, नुकसान तो मेरा ही हुआ। कोई बात नहीं, भजन अभी बाकी है, आप हम सबके साथ उसका आनंद लीजिए। साईं, भजन संध्या शुरू करते हैं। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओ एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास रे, भिन्न नाम से एक भजे रे, रही मन है वही वही राम। अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे, जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, यहां तो मौका ही मौका है, भीड़ का फायदा उठा के मैं कुछ भी चुरा सकता हूं। काका, ये आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा था ना आपसे, हम में से कोई भी साई का झोला नहीं छूता। वो मुझे झोले में कोई चमकती वस्तु दिखाई दी, मुझे लगा
कोई कीमती वस्तु होगी जो बाहर पड़ी है, तो सोचा संभाल कर रख दूं। द्वारका माई में हर वस्तु सुरक्षित है, फिर चाहे वो जमीन पर ही क्यों न पड़ी हो। हाँ काका, और वैसे भी साईं के झोले में ईट रखी है। ईट? और वो चमकती नहीं है। ईट? लेकिन मैंने देखा वो चमक रही थी। जरूर भ्रम हुआ है आपको पंडित जी। साई जब से शिरडी में है तब से ये ईंट उसके पास है, और ये कोई साधारण ईंट नहीं है। इसके पीछे कारण जो भी हो, साई के लिए ये ईंट बहुत महत्व रखती है ना? अपने आप को साई इस ईंट से कभी दूर नहीं करता है। लेकिन इस ईंट में ऐसा क्या खास है? मैंने कितनी बार इसके पीछे की कहानी पूछी है साई से, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देता है। चिपरी तुम्हें क्या, साई ने हमें भी नहीं बताया है आज तक। साई, आज जब सब लोग यहाँ हैं, सबकी जिज्ञासा है, और पंडित जी भी आज कथा नहीं सुन पाए, तो आपसे अनुरोध है कि इस ईंट से जुड़ी कहानी आज आप बता ही दीजिए, कि ये ईंट आपके लिए इतनी खास क्यों है। साईं, जब तुम छोटे थे, बाल योगी थे, तब से जानती हूं तुम्हें, तब से तुम्हें अपना बेटा माना है। लेकिन मां होकर भी मैं अपने बेटे के बारे में नहीं जानती हूं कि तुम कहां से आए, शिरडी में आने से पहले तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, आज तुम्हें बताना ही होगा। हम सबको अपना मानकर हमारी सारी समस्याओं को दूर करते हो, हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। हम भी हमारे साईं के बारे में सब जानना चाहते हैं। आज अपनी मां की यह इच्छा पूरी कर दो। माँ की इच्छा को अस्वीकार करना ये मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए अपनी पहली स्मृति से शुरू करता हूं। मेरी पहली स्मृति, मेरे बचपन की स्मृति, स्मृति मेरे गुरु वेंकुशा की। कौन है जिन्हें श्रद्धालु भगवान के साथ साथ प्रणाम कर रहे हैं? इन्हें नहीं जानते?
ये वेंकुशा हैं। इन्होंने खुद को ये नाम दिया हुआ है, भगवान वेंकटेश्वरा के सेवक वेंकुशा। साक्षात भगवान वेंकटेश्वरा का आशीर्वाद है इन पर। अच्छा? हाँ, कहते हैं एक बार उनके मन में कोई गलत विचार आया था, तो उन्होंने उस गलत विचार का पश्चाताप करने के लिए अपनी आंखों में सुई चुभोकर अपने आप को नेत्रहीन बना लिया था। हाँ? इनकी आंखें तो अच्छी हैं। हाँ, उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान वेंकटेश्वरा ने उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी। इसे आपको सौंपना चाहती हूं, क्या आप इसे अपना शिष्य बनाएंगे? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ। और उस दिन से मेरे गुरु मेरे लिए सब कुछ बन गए। आज मैं जो कुछ भी हूं, ये मेरे गुरु जी के मार्गदर्शन का ही परिणाम है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारान्त मिदम शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, और परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं। इसलिए यह शरीर परोपकार के लिए ही बना है, दूसरों की सेवा के लिए बना है। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस श्लोक को याद करो और इससे सीख लो। आज मौसम बड़ा खराब है, इस कंबल को ओढ़कर सोना, ठंड लग सकती है बेटा, जाओ। एक कंबल बच गया। क्या कर रहे हो बेटा? बारिश में बीमार पड़ जाओगे। हवा के झोंके से पक्षी का ये बच्चा अपने घोंसले से गिर गया है, और लगता है इसकी माँ इसके लिए भोजन की तलाश में गई है। इसे मैं इसके घोंसले में रखना चाहता हूँ,
पर इसका घोंसला बहुत ऊंचाई पे है, तो मैंने सोचा कम से कम इसको हवा और बारिश से बचा कर रखूं। तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं? ये तो सोचा होता कि भीगने से सर्दी लग जाएगी, तुम बीमार पड़ सकते हो। गुरुजी, आप ही ने तो कहा था गुरुजी, परोपकारार्थमिदं शरीरम। और भले ही इस पक्षी ने मुझसे मदद ना मांगी हो, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूं ना कि इसको मेरी मदद की जरूरत है। हमारे बीच में बहुत लगाव था, बहुत जुड़ाव था, और कई बार तो मुझे ऐसा लगा करता था जैसे मेरा और उनका जन्मों जन्मों का नाता है। साई, तुम एक बात तो बताना भूल गए। जब तुम पहली बार अपने गुरुजी से मिले थे तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे? क्या तुमने कभी पूछा उनसे इस बारे में? इतनी बड़ी बात बोलने के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, है ना? समझ गया साईं, आप उस समय भी खास थे, और ये कहने में आपको संकोच हो रहा है। आप हमें इतने महत्वपूर्ण तथ्यों से वंचित मत रखिए। उस समय भी किसी ने मेरे गुरुजी से यही सवाल पूछा था जो आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैंने महसूस किया है कि इस शिष्य के प्रति आपका बहुत लगाव है, बल्कि जब आप पहली बार उसे मिले थे तब मैंने आपको कहते हुए सुना था कि आप उसी का इंतजार कर रहे थे। एक बार मैं साधना में लीन था, तुमने कठिन परिश्रम करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा पुनर्मिलन अपने पिछले जन्म के शिष्य से हो, जो तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर जगत गुरु बनेगा। मैं अपने सभी शिष्यों को एक समान शिक्षा देता हूँ। ज्ञान देते समय कभी किसी से भेदभाव नहीं किया।
मैंने अपने सभी शिष्यों से एक श्लोक को याद करने और उसे सीख लेने को कहा था। श्लोक याद करना और उसे आचरण में लाना दो अलग अलग बातें हैं। मेरे सभी शिष्यों ने श्लोक को कंठस्थ कर लिया था, परंतु इस बालक ने श्लोक के अर्थ को आत्मसात कर लिया, उसे अपने जीवन में उतार लिया और इसे देखते ही मुझे आभास हो गया कि यह बालक वही है। गुरुजी ऐसा सोच भी कैसे सकते, कल का आया हुआ लड़का हमसे बेहतर कैसे हो सकता है? हम यहां बरसों से उस लड़के से कहीं अधिक जानते हैं। वो लड़का हमारी जगह लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? हर मुश्किल हर परेशानी ने मुझे धैर्य रखना सिखाया और फिर मेरे साथ तो मेरे गुरु थे, उनके प्रोत्साहन के आगे हर मुश्किल हर समस्या छोटी ही लगती थी। जरा उधर तो देखो, किसी ने भी नहीं कहा साफ सफाई करने के लिए, लेकिन ये गुरुजी के लिए दिखावा करने में सबसे आगे रहता है। यही दिखावा कर करके गुरुजी की नजरों में ऊपर उठ गया और हमें नीचे गिरा दिया उसने। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की, चलो चलो। ये तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन हम थक गए। इसके चक्कर में जो गुरुजी ने पाठ याद करने के लिए दिया था वो भी नहीं किया। चलो चलते हैं। हाँ चलो। आरंभ करो।
क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं गुरुजी, निवाला गले में अटक गया था। अच्छा, ध्यान रखना बेटा। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठो, ताजा हवा से आराम मिलेगा। उस रात गुरुजी ने मुझे चांद सितारों ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया, ये भी बताया कि इतनी दूर होने के बाद भी हम कैसे उनसे जुड़े हुए हैं, कैसे वो हमें प्रभावित करते हैं। गुरुजी से उस ज्ञान को पाकर, उनके साथ समय बिताकर, मैं उन शिष्यों को मन ही मन धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि उनके कारण ही तो मुझे ये अवसर मिला था। मैं ज्ञान पाना चाहता था और वो ईश्वर तरह तरह से मुझे ज्ञान प्राप्ति के अवसर दे रहा था। साई, बुरी परिस्थितियों में भी शांत रहना, स्थित प्रज्ञ रहना कोई आपसे सीखे, इसीलिए तो आप सबसे अलग है। लेकिन साईं, आप ही तो कहते हैं ना कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये फकीर या तो बहुत बेवकूफ है या हम सबको बेवकूफ बना रहा है। कौन बर्दाश्त करता है ये सब? बर्दाश्त करने जैसी या स्वीकार करने जैसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर थे और मैं अपनी। लेकिन साई, क्या आपके गुरुजी ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया? कोशिश की थी, जानते हो, कुछ भी खुद ब खुद नहीं बदलेगा, कोई भी तुम्हारी मदद तब तक नहीं करेगा
जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो जाते। खुद के लिए खड़े होने की जरूरत तो तभी होगी ना, जब मैं किसी से परेशान हूँ, दुखी हूँ, और मुझे ना तो कोई परेशानी है ना किसी से कोई शिकायत। तुम कहते हो तो सच ही होगा, लेकिन अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी जो मैं आपको बताऊं। साई, अगर तुम्हारे जगह मैं होती ना तो मैं गुरुजी को जाकर सब कुछ सच बता देती, ताकि वो एक एक ही अकल ठिकाने लगाते। जिपरी, तू कोई नई बात कर, क्योंकि हम सबको पता है कि तुझे अपने दोस्तों की शिकायत करने में बड़ा मजा आता है। बचपन से लेकर आज तक किसी ने मजाक भी किया तुझसे तो साई के पास पहुंच जाती है, साई देखिए ना ये अली मुझे तंग कर रहा है। साई देखो ना ये अली, जिपरी को परेशान करना बंद करो और कहानी सुनो। फिर क्या हुआ साई? हम सभी अपनी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। सभी सोचते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएं। कोई सोचता है कि हम धन दौलत छोड़कर जाएंगे, तो कोई सोचता है कि हम परोपकार करेंगे ताकि हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया ये लोग हमें याद रखें। पर एक सच्चा गुरु सोचता है कि वो अपने ज्ञान अपनी शिक्षा को अपने किसी योग्य शिष्य को विरासत में देकर जाए, ताकि उस ज्ञान उस शिक्षा से वो लोगों की मदद करे, उस ज्ञान को संसार में प्रसारित करे। और मेरे गुरुजी को भी किसी ऐसे ही शिष्य की तलाश थी। बच्चों आ जाओ, सब आओ। मैं जितना ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से तुमको दे सकता था मैंने दिया, लेकिन कुछ ज्ञान शास्त्रों के परे है और उसका पात्र केवल वही हो सकता है जिसमें उस ज्ञान का सदुपयोग करने का सामर्थ्य हो। हम सब तैयार हैं गुरुजी। क्या तुम ज्ञान पाना नहीं चाहते? मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैं उस ज्ञान के योग्य हूं भी या नहीं। चलो गलती से ही सही, मुंह से सच तो निकला। वो मैं तय करूंगा कौन योग्य है और कौन नहीं। वो कैसे गुरुजी? मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा। अब तक तुमने शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उससे ज्ञान अर्जित किया, लेकिन सिर्फ पढ़ना और उसकी कहानियां याद रखना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अपने ज्ञान का अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। तो अब तक तुमने जो पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके आधार पर यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत आसान सवाल है गुरुजी। इसका उत्तर शास्त्र है, क्योंकि वो हमें जीने की राह दिखाता है।
गलत। मैं उस मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज के बारे में पूछ रहा हूं जिसके बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है। ईश्वर? ईश्वर की महानता को समझने के लिए भी उस चीज की आवश्यकता है। मां? गलत। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके बिना मां की ममता को भी महसूस नहीं कर सकते। इसे कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन यह मेरे द्वारा सिखाई गई सभी चीजों से अधिक कीमती है। और जो तुम्हारे पास पहले से ही है और जिसे तुम जानते भी हो, अगर मेरा ज्ञान चाहिए तो बताओ क्या है वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। भूख? नहीं। नए जीवन का आरंभ? और तुम सब्जी काटते रह गए है ना, लेकिन मुझे यकीन है उस प्रश्न का उत्तर तुम जरूर जानते होंगे। क्यों? क्या सोच रहे हो? अपने गुरु भाइयों के बारे में, इसलिए सब्जी काटने बैठ गया। क्योंकि अगर सब्जी नहीं कटी हुई होती तो खाना देर में बनता और बेवजह सबको भूखा रहना पड़ता। अब काम हो गया, तू मेरे सवाल का जवाब दो। छी, ये कैसे दुर्गंध है? वेंकुशा जी, अंदर आ जाओ। संकोच मत करो, अंदर आओ। क्या कष्ट? वेंकुशा जी, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूं। पता नहीं मुझे ऐसा कौन सा रोग हो गया जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। वेंकुशा जी, ये देखिए। <ये
हुआ साई? मंशा और परिश्रम से जीवन में सब कुछ हासिल होता है, शिक्षा भी, ज्ञान भी। तुम केवल उतना ही प्राप्त करते हो जितना चाहते हो। कभी नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा समाप्त हुई, हमने सब कुछ सीख लिया। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, अंतिम सांस तक चलती रहती है। उस कल के है लड़के ने गुरुजी का सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब तो लगता है गुरुजी उसे दिव्य ज्ञान देंगे और हम सब वंचित रह जाएंगे। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसे उसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। साई, क्या उन लड़कों ने आपको परेशान किया था? कात्या, परेशानी तो केवल मन की एक दशा है और कुछ नहीं। हर मुश्किल, हर परेशानी में मुझे हम केवल एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं और एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके साथ सहानुभूति और संवेदना रख सकते हैं। सारी बातों का निचोड़ यही है कि हर इंसान मेरे जैसा है, बस नाम अलग है। अपना हाथ दो। गुरुजी, आप उसे छू कैसे सकते हैं? नहीं नहीं वेंकुशा जी, यदि मेरे कारण आपको यह रोग लग गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा वेंकुशा जी। पहले तो तुम ये सोचना छोड़ दो कि इस बीमारी के कारण तुम किसी से कम हो। तुमने देखा इस बालक ने कितनी खूबसूरती से लोगों के बीच की समानता को बताया। अंतर लोगों की सोच में है, लोगों के दिमाग की उपज है। हाथ दो।
वेंकुशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे हो, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सही मानों में एक नेक, सच्चे और अच्छे इंसान हैं। वरना इस जमाने में दूसरे के दर्द को कौन समझता है? वेंकुशा जी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं आपका और इस बालक का सदैव आभारी रहूंगा। शाबाश, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन गुरुजी, इसने एक शब्द तक नहीं कहा आपके सवाल के जवाब में। शब्दों से नहीं, उसने अपने कर्मों से उत्तर दिया है। संवेदना सबसे कीमती चीज है। ईश्वर हमें शक्ति, माता पिता, जीवन मित्र, रिश्तेदार हमें खुशियां देते हैं, इसलिए उनसे प्यार करना स्वाभाविक है। लेकिन जो इंसान किसी पराए का दर्द न समझ सके, वो किसी भी ज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि बिना संवेदना के किसी ज्ञान को पाना और उसका सही उपयोग करना संभव ही नहीं है। ये इंसानी जिंदगी का पहला पाठ है और इसे बिना जाने कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, ये सबसे बड़ा सच है। सभी श्लोकों, सभी पुस्तकों और विभिन्न शास्त्रों से भी बड़ा है ये बालक। ये ही वो बालक है जो इसे समझ सका। यही कारण है जब तुम सब लोग मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में मेरे सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे, ये वहां निस्वार्थ भाव से बैठा हुआ तुम सबके बारे में सोच रहा था, सब्जी काटता रहा ताकि तुम्हें भूखा ना रहना पड़े। और जब तुम सबने एक रोगी को देखकर उससे घृणा की, तो इसने उसके दर्द को महसूस किया, उस पे तरस नहीं खाया, उसके दुख को दूर करने में लग गया। इसीलिए ये मेरा ऐसा शिष्य है जिसे मैं योग्य समझता हूं। यही मेरे ज्ञान का सच्चा पात्र है। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर सकूं। मैं जानता हूं मेरी शिक्षा का तुम सारी दुनिया में प्रसार करोगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था। और मैं ये भी जानता हूं कि वो आकाशवाणी तुम्हारे ही बारे में थी। इतने बरस तुम यहां रहे और हर मौके पर मुझे सही साबित करते रहे। आप
आपके गुरुजी ने बिल्कुल सही फैसला लिया साईं। फिर उसके बाद क्या हुआ? आज तुम्हारा अंतिम पाठ है। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। मेरी एक बात याद रखना, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपना हाथ आगे करो।
जितना ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया, जो मेरे पास था, जो मैं जानता था, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे प्रसारित करो, उसका सदुपयोग करो, अपने ज्ञान से लोगों का भला करो। और ये निर्णय भी अब तुम्हें ही लेना होगा कि तुम अपने कर्म, अपने जीवन से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो। श्रद्धा और सबूरी। इस तरह मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे ज्ञान दिया। साई, ईंट क्यों दी? वो कहानी किसी और दिन। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि यही वो चीज है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिससे मुझे लगाव है, आसक्ति है। देखा आज फिर साई ने कितनी आसानी से बात डाल दी। जिस तरह से ये फकीर इस ईंट के बारे में बोल रहा है, हो ना हो ये ईंट बहुत ही कीमती होगी, तभी तो इसे इतना लगाव है इससे। शायद अंदर कुछ भरा हुआ हो, तभी तो वो चमक रही थी। अब तो बाकी सब बाद में, सबसे पहले मुझे इस ईंट तक पहुंचना होगा। तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इसे जानते हो? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये इंसान पीड़ा में है और मैं इसके दर्द को महसूस कर सकता हूं। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन है? क्या तुम इससे सहानुभूति इसलिए रखते हो कि ये गरीब है, या इसकी हालत पर तरस खाकर तुम्हें रोना आ रहा है? गुरुजी, मैं कौन होता हूं किसी पे तरस खाने वाला? इस धरती पर सारे इंसान, पशु पक्षी, यहां तक कि पेड़ पौधे भी उस भगवान ने बनाए हैं, और हम सब उस परम पिता की संतान हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज बदसूरत या दूसरे दर्जे की कैसे हो सकती है? ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं, एक जैसे हैं।
तो फिर किसी के बारे में राय बनाने वाले या किसी को परखने वाले हम कौन होते हैं? हम केवल एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं और एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर। ये ईंट भी यहां नहीं होगी। ठीक है साईं, जैसे आप कहें। अब आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो रघुनाथ? अपनी खुश नसीबी के बारे में। खुश नसीबी की साई से मिल सका। उनके बचपन की कहानी उनके मुख से सुन पाया। इस संदर्भ में तो हम सभी खुश नसीब हैं। हमारे साई हैं ही ऐसे। इनकी परछाई जिस पर भी पड़ी उसका उद्धार ही हुआ। तो नींद ही नहीं आ रही बाबा, साई की कहानी सुन के बस उन्हीं के बारे में सोच रही हूं। मैं भी यमुना। साई और उनके गुरु की कथा सुनकर मैं भी विभोर हो गया। कब सोएंगे ये लोग? साई बचपन से ही ऐसे थे। क्यों रघुनाथ? लगता है सो गया। अच्छा मार्टिन कहाँ है? वो अंदर है। बहुत रात हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। जी। पंडित, रोक, रोक पंडित, ये पकड़, रोक। साई, साई।
अंधेरा कैसे हुआ? एक तो इस अंधेरे कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर वो भागने में सफल रहा ना तो सरदार हमें मार डालेगा। नहीं भाग पाएगा वो, सामने घना जंगल है, उसे कैसे पार करेगा? सुबह होने से पहले या तो भटक जाएगा या किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। हम लोग यही रुककर इंतजार करते उसका। एक तो अंधेरा, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। बरसों आपकी सेवा की है प्रभु, मेरी मदद करो, हे बजरंगबली मेरी रक्षा करो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा। ये चंद्रमा की रोशन अचानक कैसे वापस आ गई? शेर की आवाज। हाँ चलो भागो यहां से। साई, आपने मुझे बचा लिया। साई, आपने मुझे बचा लिया। साई, चलिए यशवंत जी, हनुमान मंदिर को आपकी जरूरत है, चलिए। अरे बाप रे, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। शुक्रिया, अभी रात बाकी है, इसका मतलब सही लौटा नहीं होगा अब तक। इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही थी? क्या वो रघुनाथ था? लेकिन इतनी रात को वो कहां जा रहा है? गई ईट, साई ने तो यही रखी थी। शायद साई उसे अपने साथ ले गया। रघुनाथ मारुति मंदिर में भी नहीं था, लेकिन इतनी रात वो मंदिर क्यों जाएगा? लेकिन और कहीं जा भी कहां सकता है वो?
इतनी तेज रोशनी कहां से आई थी? चलो पता नहीं रिहाना काकी, अचानक से इतनी तेज रोशनी कहां से आई हमारे घर में? मोहन भाव, क्या तेज रोशनी की वजह से आप जग गए? हाँ। पहले की कोई यहां आए, यहां से निकल जाने में ही मेरी भलाई है। जी, क्या आपने भी वो रोशनी? हाँ पाटिल जी, मैंने भी वो रोशनी देखी। क्या आप सबके घर में वो रोशनी आई थी? हाँ हाँ, हमारे घर में भी तेज रोशनी आई थी। क्या हो सकता है? वो देखो, वो रोशनी द्वारका माई की तरफ से आ रही है। हो ना हो, ये साई का इशारा है कि हम सब द्वारका में पहुंचे। चलिए चल के देखते हैं। चलिए। इसलिए आए थे? उसे कहा गया था ना कि साई की ईंट को छूना नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मैं ईंट चुराना चाहता था। नीच, ईंट चुराने का ख्याल भी तुम्हारे मन में कैसे आया? साई अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करके बिता रहे हैं और तू उनका सामान चुराएगा? ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई तुझे? मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें। पकड़ो इसे। हाँ हाँ, सजा मिलेगी इसे। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो। बांधो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। मदद लेते समय इंसान को सावधान रहना चाहिए कि वो मदद किससे ले रहा है, क्योंकि कई बार विष भी अमृत जैसे मीठे रूप में आता है। मेरे विश्वास का तूने ये सिला दिया? साई ने मुझे चेतावनी दी थी
लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो समझ नहीं पाया कि आज दिन का सांप तू ही निकलेगा। गलती सिर्फ आपकी नहीं है मालसापति जी, हम सभी इस गलती के हिस्सेदार हैं। इसने हम सबसे झूठ बोला और हम इसके झूठ को समझ नहीं पाए। इस आदमी को परख नहीं पाए। इसने हमारे साथ में छल किया है। इसकी इतनी धुलाई करनी चाहिए कि ये अपने जीवन में दोबारा चोरी करने की हिम्मत ना करे। हाँ, कूट दो इस दुष्ट को। मारो! नहीं। साई, कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा। साई, साई मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे आगाह किया था, मुझसे कहा था कि मदद सोच समझ के लेना। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो नहीं समझ पाया। नहीं मालसापति जी, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन साईं, ये आपकी ईंट चुराने वाला था। लेकिन चुरा तो नहीं पाया ना। ईंट से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। कोई नहीं। लेकिन साई, इसने अपराध किया है, पाप किया है। पंडित होकर ईंट चुराने की कोशिश की है रघुनाथ ने। महालसापति जी, रघुनाथ ना तो पंडित है और न ही ये इसका असली नाम है। इसने जो कुछ भी कहा है झूठ कहा है। इसका असली नाम है गजराज। डाकू गजराज। और इसके यहां आने का असली उद्देश्य, असली मकसद क्या था, यह आपको यशवंत जी बताएंगे। और इनकी ऐसी हालत क्या हुआ? इनके ऐसी बुरी हालत कैसे हो गई?